कानपुर पुलिस ने एक सिरफिरे युवक को गिरफ्तार किया है। सिरफिरे युवक एसपी पूर्वी के सीयूजी नंबर पर फोन करके कानपुर सेंट्रल स्टेशन और गोविंदपुरी स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी थी। युवक को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें दिन रात काम कर रही थी। बर्रा पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर युवक को दबोचा है। चित्रकूट जिले के भमौर गाँव में रहने वाला 22 साल का युवक शिवम द्विवेदी कानपुर पुलिस को उंगलियों पर नचा रहा था। शिवम द्विवेदी ने इंटर तक की पढ़ाई की है और अहमदाबाद में गार्ड की नौकरी करता था। शिवम का कहना है कि मैंने गूगल से कानपुर पुलिस के अधिकारियों के सीयूजी नंबर निकाले थे। मैंने कानपुर को इसलिए चुना शायद कुछ अच्छा कर सकूं। मुझे अब फेमस होना था और इसी तरह से फेमस रहूंगा। सिरफिरे युवक के बीते 3 फरवरी को मोबाइल पर बर्रा निवासी अभय प्रताप को भी जान से मारने की धमकी दी थी। अभय के परिवार ने बर्रा थाने में FIR दर्ज कराई थी। इसके साथ ही शिवम ने 10 फरवरी को SP पूर्वी के सीयूजी नंबर पर फोन करके सेंट्रल स्टेशन व गोविंदपुरी स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी थी। युवक का कहना है कि मैंने कानपुर आकर पुलिस को फोन किया, तब जाकर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों की मान्यता देने में अब पैसों का खेल नहीं चलेगा। विभाग की तरफ से निजी स्कूलों को मान्यता अब ऑनलाइन होगी। सब ठीक रहा तो आवेदन करने के 37 दिन के अंदर मान्यता मिल जाएगी। आवेदन 1 अप्रैल से 31 दिसंबर के बीच किया जाएगा। स्कूलों को ऑनलाइन मान्यता दिए जाने की शासन की तरफ से नए पोर्टल की शुरुआत की गई है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद द्विवेदी ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग के तहत निजी विद्यालयों की मान्यता के लिए ऑनलाइन विद्यालय मान्यता प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के तहत मान्यता ऑनलाइन करने का प्रावधान किया गया है। मान्यता के प्रकरण को जनहित गारंटी योजना के तहत शामिल किया है। इसमें पूरी प्रक्रिया समय में पूर्ण करने का प्रावधान है। निजी स्कूलों की मान्यता एवं नवीनीकरण आवेदन के साथ स्कूल भवन स्टाफ तथा संसाधनों का ब्यौरा देना होगा। अधिकारियों ने बताया कि पोर्टल पर प्रबंधकों की तरफ से आवेदन प्राप्त करने के BSA 3 दिन के अंदर खंड शिक्षा अधिकारी को स्कूल का निरीक्षण के लिए भेजेंगे। निरीक्षण का निर्देश के बाद 10 दिन के अंदर खंड शिक्षा अधिकारी स्कूल का मुआयना कर अपनी रिपोर्ट BSA को देंगे। मान्यता समिति की बैठक होगी। आपत्ति की स्थिति में बैठक के 3 दिन के अंदर स्कूल के प्रबंधन को इसकी सूचना दी जाएगी। आपत्ति के 7 दिन के अंदर प्रबंधन को इसका निस्तारण करना होगा। आपत्ति के बारे में स्कूल प्रबंधन का जवाब मिलने के 5 दिनों के अंदर समिति उनके स्कूल की मान्यता को लेकर निर्णय देगी। लखनऊ में रविवार को अजीत सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी गिरधारी एनकाउंटर मामले में पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। गिरधारी के पिता टक्कर विश्वकर्मा ने लखनऊ पुलिस को एनकाउंटर के हत्या बताया है। टक्कर विश्वकर्मा वाराणसी के चोलापुर थाना रखनपुर के रहने वाले। उन्होंने बताया कि उन्हें पहले ही इस बात की आशंका थी कि गिरधारी उर्फ डॉक्टर को पुलिस मार सकती है, इसलिए उन्होंने मानवाधिकार के साथ ही स्थानीय CGM कोर्ट में भी इसकी गुहार लगाई थी। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दिल्ली पुलिस के अभिरक्षा में गिरधारी को पुलिस UP लाने का अनुरोध किया था। अजीत सिंह हत्याकांड में गिरधारी को नामजद करने के लिए गिरधारी के पिता टक्कर ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गिरधारी का अपराध जगत से लेना देना नहीं है, इस बात की जानकारी है, लेकिन लखनऊ अजीत सिंह हत्याकांड में वो थे या नहीं यह साफ नहीं है, क्योंकि जो इनामी होता है वह पुलिस उसे वहां ले जाती है। अजीत सिंह हत्याकांड में असलाह की बरामदगी के लिए पुलिस गिरधारी को विभूतिकरण लेकर गई थी। इसी दौरान गिरधारी पुलिस का असलाहा छीन कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसका पीछा किया और पुलिस फायरिंग में उसका एनकाउंटर हो गया। उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के इच्छुक निवेशकों को आसानी से अब जमीन मुहैया कराने के लिए योगी सरकार ने कवायद तेज कर दी है। इसके लिए राज्य सरकार ने ऐसी जमीनें तलाशनी शुरू कर दी है जो खाली पड़ी हैं। इस जमीनों के लिए पॉलिसी बनाने पर भी विचार किया जा रहा है, जो इंडस्ट्रियल एरिया में अलॉट होने के बाद भी लंबे समय से खाली पड़ी। पॉलिसी के तहत इस जमीनों को नए सिरे से उद्यमियों को आवंटित किया जाएगा। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने सरप्लस औद्योगिक भूमि के उपयोग के लिए नई नीति बनाने के निर्देश दिए। नई नीति बनाने के लिए अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस समिति में UP सीडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक सदस्य होंगे। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में ऐसे प्राधिकरण है जहां उद्योगों को जमीन तो अलॉट है लेकिन इंडस्ट्री न लगने की वजह से वहां खाली पड़े। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में ऐसी बहुत सी जमीनें हैं। मंत्री के मुताबिक अगर ये जमीनें एक कीमत देकर वापस अथॉरिटी को मिल जाए तो इन जमीनों को नई इंडस्ट्री को अलॉट किया जा सकता है। योगी सरकार के 4 साल पूरे होने वाले हैं। BJP सरकार के कार्यकाल में अपराधियों के दुशासन बहुत भारी पड़ा है। पुलिस ने सभी से सख्ती से निपटा है। 4 साल में UP पुलिस ने 7500 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं जिसमें 132 अपराधी मारे गए हैं। हालांकि कुछ मुठभेड़ को लेकर UP पुलिस पर आरोप भी लगे हैं। योगी सरकार के कार्यकाल में मार्च 2017 से 15 फरवरी 2021 के बीच प्रदेश भर में पुलिस वालों और अपराधियों के बीच 7500 से ज्यादा मुठभेड़ें हुई हैं जिनमें 132 अपराधी मारे गए हैं। 2900 से ज्यादा अपराधी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि मुठभेड़ के दौरान
सीओ समेत 14 पुलिस वाले शहीद भी हुए हैं। 1100 पुलिस कर्मी भी जख्मी हुए हैं। 10 फरवरी 2021 को कासगंज के नकला धीमर में शराब माफिया के यहां दबिश देने गए सिपाही की हत्या कर दरोगा पर जानलेवा हमले के बाद एल्गार को ढेर किया। 3 फरवरी 2021 को बागपत के बड़ौत में दिल्ली पुलिस के सिपाही की हत्या के आरोपी 1 लाख का इनामी जावेद मारा गया। 27 नवंबर 2020 को वाराणसी में 1 लाख का इनामी अपराधी किट्टू मारा गया। नवंबर 2020 को आजमगढ़ में पुलिस ने 3 लाख के इनामी बदमाश सूर्यांश दुबे को ढेर किया। इसी तरह तमाम एनकाउंटर किए गए हैं।